सो पोको एफ टू इज कमिंग इन 2020। ठीक है, तो काफी दिनों से यहाँ पे यार ये वाली एक न्यूज निकल के आ रही है। आई थिंक 2 दिन हो गए हैं और इतनी तेजी से ये न्यूज पिकअप हुई है कि क्या कहने इसके। अब बात भी है यार पोको की, जब यहाँ पे सभी ब्रांड्स रेडमी K30 या अगर मैं कहूँ X2 प्रो निराश कर देते हैं, उसके बाद तो पोको को दिन बचाने के लिए आना ही है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या ऐसा कि ये इस तरीके से इतनी जल्दी वायरल हो गया? और यहाँ पे एक फैक्ट बताऊँ कि आपको, ये जो जिस वजह से हुआ था ना, वो वजह भी अब खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी काफी तेजी से यहाँ पे ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो चलिए जल्दी से आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि पोको F2 2020 में आने वाला है। तो उससे पहले जनरल से जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये एक ट्वीट का स्क्रीन शॉट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है, आपको एक यूजर ने आपको यहाँ पे ट्वीट करा है, 21 दिसंबर आपको ये डेट देखने को मिल जाएगी। पोको यूजर्स इज कंफ्यूज व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ पोको ब्रांड। तो यहाँ पे एल्विन टीस मी फैन, ये जो पोको ग्लोबल के यहाँ पे हेड हैं, साथ ही साथ इन्होंने इंडोनेशिया में जो रेडमी है उनके भी हेड है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है यू विल हियर मोर फ्रॉम पोको इन 2020। तो ये साफ आपको देखने को मिल जाता है। इससे क्या मतलब लगता है अगर आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताओ। मेरे हिसाब से तो इसका सिंपल यही मतलब है कि पोको में और भी 2020 में पोको में और भी ब्रांड्स में आपको ये और भी प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे पोको के नाम के अंदर। लेकिन अब क्या हुआ ऐसा कि न्यूज तो बहुत तेजी से वायरल हुई कि आपको हर जगह देखने को इसके बारे में मिल जाएगा कि पोको F2 आ रहा है 2020 में, कंफर्म हो गया है ऑफिशियली। लेकिन उसके बाद होता क्या है, मैं ये देखने जाता हूं इस ट्वीट को दोबारा, तो मुझे पता चलता है यार ये ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। अब यहां पर ये बताना चाह रहे थे किसी और चीज के बारे में, मुझे लग रहा है, या इन्होंने गलती से कोई और लीक कर दी चीज, क्योंकि इतना ज्यादा यहां पर यह फैली है कि इन्होंने ट्वीट ही डिलीट कर दिया है। अब कुछ लोगों के हिसाब से कहा जाए तो ये बात कर रहे थे कि पोको में आपको 2020 में एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिलेगा, इसके रिगार्डिंग हो सकता है उन्होंने बताया हो, क्योंकि पोको यूजर्स लिखा गया है और पोको यूजर्स वही हैं जिनके पास पोको F1 है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन काफ़ी बड़ा क्रिएट हो जाता है कि उम्मीद तो अभी भी लगाई हुई है लोगों ने थोड़ी थोड़ी कि पोको पे पोको F2 वगैरह या कुछ और डिवाइस का नेम होकर मिलेगा, क्योंकि यार रेडमी K20 भी बोला है तो फ्लॉप टाइप का ही रहा है। साथ ही साथ अब जो रियलमी ने बहुत हाइप करा था उस पर भी फ्लॉप रहा है यार, क्योंकि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25K के आसपास में बजट में आएगा, लेकिन यार दोनों में से कोई भी नहीं आया और थोड़ी सी यहाँ पे निराशा हुई थी। अब यहाँ पे पोको F1 तो मिल रहा है भाई 15,000 रुपये में, जो कि अभी भी अगर आप लेना चाहो तो बेस्ट डील है अगर आप पबजी वगैरह खेलते हो। थोड़ा बहुत इश्यू ज़रूर हो सकता है उसमें टच वाला, लेकिन अभी भी उसको फिक्स कर दिया गया है, इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं आता है। अगर आप यहाँ पे पोको में पबजी वगैरह खेलना चाहते हो ना तो बहुत ही स्मूथली चलता है। मेरे फ्रेंड्स के पास है बहुत ही अच्छे से, वो लोग पबजी गेमिंग भी करते हैं डेली, दिन से वैसे रात बहुत ही अच्छे से चलता हुआ मिलता है। अभी तो यहाँ पे यार कुछ कंफ्यूजन खुद ही इन्होंने क्रिएट कर लिया है कि पोको में 2020 में पोको F2 या दूसरा डिवाइस देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे है। आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, पोको F2 या पोको का कोई और डिवाइस 2020 में आएगा कि नहीं आएगा? मुझे तो थोड़ी सी उम्मीद कम लग रही है, हालांकि नेम बहुत है पोको का। अगर शाओमी निकालती है अच्छा सा कोई पोको F2 तो बहुत ही तेजी से यहाँ पे उठ जाएगा, और अगर एक्सपेक्टेड जो चीज़ है वो निकल के आई ना तो बहुत ही धमाकेदार यहाँ पे होने वाला है। अब शाओमी चाहता है यार कि रेडमी को वो आगे निकाले, पोको को ना निकाले, क्योंकि पोको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से निकल गया था। अब देखने वाली बात है कि क्या करता है यहाँ पे शाओमी, क्योंकि पोको यार चाइना में भी नहीं मिलता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो मैं सोचा चलो वीडियो बना के आपको दिखा देता हूँ कि ये आई थिंक बात कर रहे थे एंड्रॉयड 10 के रिगार्डिंग, ना कि कोई और डिवाइस के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे सारी वेबसाइट ने तो इनको उठा लिया था, अब इनकी ट्वीट भी गायब हो गई है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।